नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के इस नए वीडियो में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, काली मिर्च का बेल है। ये काली मिर्च की बेल है, इसे हमने 2 साल पहले लगाया था। अभी इसमें बहुत सारे फल आ चुके हैं। देख सकते हैं कितने गुच्छों में फल हुआ है, और ये आम के पेड़ के ऊपर कितने ऊंचाई तक, लगभग 10-15 मीटर तक ऊपर तक चढ़ चुका है। देखिए कितने ऊपर तक चढ़ा है। दोस्तों, इसे हमने 2 साल पहले लगाया था, अभी उसका बेल चारों ओर फैल चुका है। इस बेल को आप एक बार लगा लें तो 25 साल तक काली मिर्च आपको मिल सकता है। ये मार्च का महीना है और हमारे काली मिर्च सब बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसे हम अब तोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे गुच्छों में फल आए हुए हैं। दोस्तों, इतने सारे काली मिर्च हमने तोड़ के जमा कर लिए हैं। काली मिर्च हर किचन में यूज होने वाला मसाला है। काली मिर्च कैसे उगाया जाता है वही प्रोसेस अभी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे हम बेल को काट लेंगे।
इस तरह बेल को गोल गोल बना के कैरी बैग के अंदर मिट्टी में डाल देंगे। बैग से हम आधा मिट्टी खाली कर देंगे और उसका बेल को उसके अंदर घुसा देंगे और उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। दोस्तों, बीज से उगाने की कभी भी कोशिश मत करना, वो सक्सेस नहीं होंगे। इस तरह बेल को लगाएंगे तो ये सक्सेसफुल है। इस तरह हम पानी डाल देंगे, जब तक पूरा बेल ना निकल जाए तब तक रोज ऐसे पानी डालते रहेंगे और नमी बरकरार रखेंगे। उसे छांव के इलाके में ही रखें ताकि धूप से उसका कोई भी नुकसान ना हो। इस तरह हम इसे सुखाएंगे ताकि ये जब तक पूरा ना सूख जाए हम उसको सुखाते रहेंगे धूप में। ये धूप में सूख के इस तरह हो गया है बिल्कुल। इसे हम अभी हमारे किचन के लिए मसाला के रूप में यूज करेंगे। अभी इसे हम ग्राइंडिंग करके पाउडर बना लेंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे हम मसाले के रूप में हर डिश में यूज करेंगे। इस तरह हमने काली मिर्च का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से एक तो लाइक और एक तो कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।